दोस्तों, अगर आपके पेट के आसपास बहुत अधिक चर्बी इकट्ठा हो गई है, कमर के आसपास बहुत अधिक चर्बी इकट्ठा हो गई है, थाइस के आसपास बहुत अधिक चर्बी इकट्ठा हो गई है, आप कम करना चाहते हैं पेट की, कमर की और अपनी थाइस की चर्बी को, और अपनी एब्डोमिनल मसल्स को भी मजबूत करना चाहते हैं, अपने एब्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ सिंपल लेकिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव ऐसे योगासनों का अभ्यास बताऊंगी जिनको आपको निरंतर करना है। और लाभ सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। अगर आप इन योगासनों का अभ्यास नियमित रूप से करते हैं तो आपका डाइजेशन बेहतर होगा, सारे आंतरिक अंग, क्योंकि पेट पर हल्की मसाज मिलेगी, एब्डोमिनल मसल्स मजबूत होंगी, तो सारे आंतरिक अंगों की जो कार्य क्षमता है वो इम्प्रूव होगी। आपको अगर कब्ज बहुत अधिक रहती है, बहुत फ्रीक्वेंटली आपकी नाभि जो है वो हिल जाती है, पेट में बहुत अधिक दर्द रहता है, तो इन समस्याओं से भी आपको निजात मिलेगी। साथ ही आपकी लोअर बैक जो है वो मजबूत बनेगी, जिससे कि जिन लोगों को लोअर बैक पेन की समस्या रहती है, बैक पेन की समस्या रहती है, उसमें भी उनको निजात मिलेगी। लेकिन हाँ, आपको एक चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखना है, अगर आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, यानी एक जगह पर बैठकर बहुत अधिक वक्त तक काम करना पड़ता है, तो थोड़ा उठिए, मूव होइए, हर दिन कम से कम आधे से एक घंटे मिनिमम ज़रा ब्रिस्क वॉक कीजिए, ज़ोर ज़ोर से चलिए, अपने खाने पीने का ध्यान रखिए और प्रॉपर रेस्ट करना इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। अगर आपकी नींद बहुत डिस्टर्ब है तो वो वेट लॉस में बहुत ही बड़ी बाधा बनेगी। आइए सीखते हैं ऐसे योगासनों का अभ्यास जो हमारी मदद करेंगे हमारा वेट कम करने में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाएगा, साथ ही मेरा प्रयास पसंद आए तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? चलिए शुरुआत करते हैं उन योगासनों के अभ्यास करने की जिनकी मदद से हमारा एक्सेसिव जो एब्डोमेन रीजन पर, हिप रीजन पर, थाई रीजन पर जो चर्बी है, फैट है, उसको कम किया जा सके। हर एक अभ्यास को आपको कम से कम 10 से 15 बार या 20 बार रिपीट करना है, तीन तीन सेट अभ्यास करना है। अगर बिगनर है तो नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ करें, और अगर आप इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन का ध्यान रख के अभ्यास कर सकते हैं तो उसके कई गुना बेनिफिट बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर आप बिगनर हैं, मोटापा बहुत अधिक है, पैर को उठाने में दिक्कत आ रही है, ये लोअर बैक में पेन रहता है, तो आप क्या करेंगे, दोनों हाथों को हल्का सा स्लाइडली अपने कमर के अंदर ऐसे टक करके सारे के सारे अभ्यास करेंगे। मैं पहले इसलिए बता दे रही हूँ ताकि आपको बार बार ये चीज़ें परेशान ना करें। और अगर ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है तो दोनों हाथों को ऐसे बॉडी के आप साइड में रखें ऐसे, ताकि हाथों से आपको काफ़ी अच्छा बल मिले। तो सबसे पहले बिगनर के लिए हम अभ्यास कर रहे हैं सिंगल लेग उत्तान पादासन, ताकि आसानी से पैर उठ जाए। कैसे? सांस लेंगे धीरे धीरे धीरे, ऐसे पैरों को 60 डिग्री उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे ड्रॉप कर देंगे। ध्यान दीजिए, पूरे अभ्यास के दौरान अपनी पेट की मसल्स को टाइट करके रखना है, एंगेज करके रखना है। तीन बार हर एक अभ्यास में आपको करके बताऊंगी। सांस लें 60 डिग्री और सांस छोड़े धीरे धीरे ऐसे ड्रॉप कर दें। सांस लें 60 डिग्री और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे ड्रॉप कर दें। इसी तरीके से लेफ्ट पैर से भी, एज यू इनहेल रेज योर लेग 60 डिग्री एंड एज यू एक्सहेल ड्रॉप योर लेग डाउन टू द फ्लोर। दो बार और। सांस लें 60 डिग्री, पैर को उठाएं और सांस छोड़ते हुए अपने पैर को ऐसे ड्रॉप कर दें। एक एक पैर से थोड़ा आपको आसान हो जाएगा इस तरीके से अभ्यास करना। ऐसे महिलाएं पीरियड्स के दौरान इस पूरे अभ्यास को ना करें, जब आप पीरियड्स में ना हो तभी इन प्रैक्टिसेस को करना है। अब एक पैर से जब आपका अभ्यास हो जाए तो अब हम अभ्यास कर रहे हैं उत्तान पादासन का। दोनों पाम्स को वैसे ही बॉडी के साइड में रखा, सांस लिया, धीरे 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 पेट को टाइट करके रखा, पेट से पूरा बल आए, 60 डिग्री पैर को उठाया और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 ऐसे ड्रॉप कर दिया इस तरीके से, है ना। फिर से दो बार और। सांस लेते हुए धीरे धीरे पैरों को उठाया 60 डिग्री और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 ऐसे ड्रॉप कर दिया इस तरीके से। अगर आप कुछ देर तक रोकना चाहें उसका भी अभ्यास बताऊंगी। सांस लिया ऐसे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे
ड्रॉप कर दिया। तो ये तो हो गया। धीरे धीरे जब आपका अभ्यास डेवलप हो, पहले एक पैर से कर लिया, फिर दोनों पैरों को जोड़ कर कर लिया, अब थोड़ा इसको और चैलेंजिंग बनाते हैं। दोनों पाम्स को बॉडी के साइड में रखा और फिर उसके बाद उत्तानापादासन का अभ्यास ब्रेथ रिटेंशन के साथ। सांस लीजिए और सांसों को रोकिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और धीरे धीरे 10 सेकेंड तक। अगर आप ना होल्ड कर पाए तो 5 सेकेंड भी होल्ड करके रख सकते हैं। सांस लीजिए और होल्ड कीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और फिर उसके बाद ऐसे ड्रॉप कर दीजिए। एक बार और देखिए, सांस लिया। सांसों चाहे तो आप नॉर्मल लेते हुए भी, सांस लेते हुए भी इस पोस्चर को रोक सकते हैं और फिर सांसों को छोड़ दें। इतना अभ्यास करने के बाद थोड़ा रेस्ट कर ले। दोनों पैरों के बीच में फासला, दोनों हाथों के बीच में फासला, इसको कहते हैं शवासन। आराम से लेटे हुए ब्रीद करें कम से कम 10 सेकेंड तक। अब अगला अभ्यास कर रहे हैं गतिमय उत्तान पादासन का। किस तरीके से, चाहे तो एक पैर से या दोनों पैर से अभ्यास करें। सांस लेते हुए 45 डिग्री, फिर उसके बाद 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री ऐसे उठा लें, और सांस छोड़ते हुए वापस से 60 डिग्री, 45 डिग्री और फिर पैरों को ऐसे ड्रॉप कर दें। सांस लें 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और सांस छोड़ते हुए 60 डिग्री, 45 डिग्री और फिर उसके बाद ऐसे ड्रॉप कर दें। एक पैर से करेंगे तो कैसे करेंगे, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, फिर उसके बाद 90 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री एंड ड्रॉप। दूसरे पैर से 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और फिर 90 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री और ड्रॉप। तो इस तरीके से पूरी की पूरी एब्डोमिनल मसल्स को आपको टाइट करके रखना है। अब अगला अभ्यास कर रहे हैं पाद वृत्तासन। किस तरीके से, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, पाद मीन्स पैर, वृत्त मीन्स सर्कल। तो इसके बाद राइट पैर को ऐसे उठाया कम से कम 60 डिग्री और इसके बड़े चक्कर इस तरीके से बनाएंगे। अभी मैं राइट लेग से एक पैर से कर रही हूँ इस तरीके से। इसको पूरा का पूरा 10 से 15 बार आप कर लें क्लॉकवाइज और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से, ऐसे 5, 4, 3, 2। चाहे तो इस अभ्यास को नॉर्मल ब्रीदिंग करने के करते करते कर लें और यही अभ्यास आप लेफ्ट पैर से करें इस तरीके से। लेफ्ट पैर को उठाएं क्लॉकवाइज इस तरीके से 1, 2, 3 ऐसे, और इसके छोटे छोटे ऐसे चक्कर ना बनाएं, पूरा चक्कर इस तरीके से बड़ा चक्कर बनाएं जिससे कि पेट पर आपको इफेक्ट दिखे। इसी के एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से कर लें ऑपोजिट डायरेक्शन में तो भी पूरा लाभ मिल जाएगा। एक पैर से बिगनर्स अभ्यास कर लें और जिनका स्ट्रेंथ अच्छा है कोर का, वो बॉडी के साइड में हाथों को रखें, पैर को उठाएं और क्लॉकवाइज ऐसे इस तरीके से 1, 2, 3, 4 एंड 5 इस तरीके से अभ्यास करने के बाद इसी को ऑपोजिट भी घुमाएं ऐसे 5, 4, 3, 2 एंड 1 ड्रॉप कर दें और शवासन में आराम से लेट जाएं। अब अगला अभ्यास कर रहे हैं पाद संचालन। किस तरीके से करेंगे, दोनों पाम्स को बॉडी के साइड में रखा, पाद संचालन आसन मनीष मीन्स लेग को किस तरीके से आपको संचालित करना है, साइकिल चलाना है। एक पैर से जो लोग अभ्यास करें इस तरीके से एब्डोमिनल मसल्स को टाइट करके रखें और पूरी एक बड़ी साइकिल इस तरीके से चलाएंगे। एक पैर से क्लॉकवाइज कर लिया, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी घुमाएं ऐसे 5, 4, 3, 2 एंड 1 ऐसे। दूसरे पैर से भी इसी तरीके से 5, 4, 3 सांस लेते हुए पीछे की तरफ, सांस छोड़ते हुए ऐसे सामने। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ भी कर सकते हैं और चाहे तो सांस लेते हुए आपकी थाई पेट की तरफ आए और फिर उसके बाद सांस छोड़ दें ऐसे। जब दोनों पैर से अभ्यास करें तो दोनों पाम्स को बॉडी के साइड में रखें
और थाई को बेली की तरफ लेके आए, सांस लें और सांस छोड़ते हुए थाई बेली की तरफ आ जाए, ऐसे सांस लें और सांस छोड़े, सांस लें और सांस छोड़े, तीन बार और सांस लें और सांस छोड़े, दो बार और सांस लें और सांस छोड़े। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ भी अभ्यास कर सकते हैं, ऑपोजिट करें ऐसे, 5, 4, 3, 2 and 1, ऐसे ही 5, 4, 3, 2, 1। अब आराम से रेस्ट करें शवासन में, दोनों पैरों को एक दूसरे से दूर कर लें, बॉडी के साइड में रखें, शवासन में रेस्ट करें। इन सारे अभ्यासों को करने के बाद अपने पैरों को कमर को रिलैक्स करने के लिए हम अभ्यास करेंगे पवन मुक्त आसन का। थाई को बेली की तरफ लेके आए इस तरीके से, पेट पर जो भी अत्यधिक गैस बनती है वो गैस जो है वो कम होगी, साथ ही कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी दूर भागेगी। उंगलियों को फंसा लें, सांस ले लें और सांस छोड़ते हुए अपने नाक को, अपने माथे को घुटने की तरफ लेके आए, सांसों को रोके, 5, 4, 3, 2, 1। इसका अभ्यास 5 से 7 बार करें, सांस लें और सांस छोड़े, 5, 4, 3, 2, 1। फिर से सांस लें और सांस छोड़ें एक बार और, 5, 4, 3, 2, 1 एंड रेस्ट इन शवासन। अगर आप सभी मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस में। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को सुबह 7 बजे से 8 बजे तक जूम के माध्यम से कंडक्ट किया जाता है। अच्छा, ये क्लासेस किन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगी? सभी लोगों के लिए। अगर आप बिगनर हैं या कि फिर ऑलरेडी आप योग का अभ्यास कर रहे हैं या कि फिर आपको कोई हेल्थ कंडीशन है, हर एक प्रैक्टिसेस को इस तरीके से मॉडिफाई किया जाता है या बताया जाता है ताकि सबको बहुत अधिक लाभ मिले। मेरी जो योगा क्लासेस है इसमें आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, अलग अलग तरीके के योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन, यौगिक क्रिया और लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए, डाइट को अच्छी तरीके से समझने के लिए भी बहुत से आपको टिप्स दिए जाते हैं। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को ज्वाइन करके जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ना, उनको बहुत अधिक स्वास्थ्य लाभ मिला और उनकी लाइफस्टाइल भी बेहतर हुई है। अगर किसी कारण से आप इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को सुबह 7 बजे से 8 बजे तक नहीं ज्वाइन कर पाते, कोई बात नहीं, मैंने कुछ कोर्सेज डेवलप किए हैं जो कि रिकॉर्डेड सेशन हैं। इन रिकॉर्डेड सेशन को आप किसी भी वक्त, किसी भी जगह, कितनी भी बार ओपन करके आप अभ्यास करें। जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो कोर्स के कंप्लीशन का सर्टिफिकेट भी आपको दे दिया जाता है। अगर आप इन ऑनलाइन योगा क्लासेस और कोर्सेज के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट ज़रूर विजिट कीजिएगा, जो कि है www.yogawithshahida.com। और यहाँ पर मैं एक व्हाट्सएप नंबर दे रही हूँ, अगर आप वेबसाइट ना विजिट कर पाएँ तो इस व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर व्हाट्सएप कीजिएगा। सी यू इन द क्लास। तो देखा आपने, मैंने कितनी आसानी से ये सारे इजी लेकिन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव योग आसनों का आपको अभ्यास बताया, आपको सिखाया। आपको करना सिर्फ इतना है कि इनको हर रोज़ अभ्यास कीजिए ताकि इनका जो इफ़ेक्ट है, इनके जो बेनिफिट हैं आपके शरीर को मिल पाए। अगर आप चाहते हैं कि आपके सजेस्ट किए हुए किसी टॉपिक पे मैं फ्यूचर में वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन से टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं। आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अब वीडियो अंत तक देख ही ली है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, और अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वो नीचे जो थम्स अप का निशान है ना, उसको अगर आप दबा लेते हैं तो इसका मतलब कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और ये वीडियो पसंद आई तो इसको अपने तक सीमित मत रखिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी खूब फॉरवर्ड कीजिएगा। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलूंगी, तब तक आप सभी अपना, अपने परिवार का, अपने आसपास के सभी लोगों का ध्यान रखिए और योग का अभ्यास निरंतर करते रहिए। नमस्ते।